हिमाचल प्रदेश में 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले पंचायती राज चुनाव के मतदान के लिए जिला सोलन में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पहले चरण में 17 जनवरी को जिन स्थानों पर मतदान होना है वहां के लिए पोलिंग पार्टियों को सरकारी बसों के माध्यम से रवाना किया गया है। लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में होने जा रहे पंचायती राज चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियां पूरी तैयारी के साथ रवाना हो गई हैं। शाम तक जिन मतदान केंद्रों पर 17 जनवरी को मतदान होगा वहां यह पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी व अपनी तैयारी शुरू कर देंगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव पार्टी में लगे योद्धाओं ने बात करते हुए बताया कि वह पूरे शांतिपूर्ण तरीके व पारदर्शी चुनाव करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के जो भी नियम है मतदान केंद्रों पर उसका पालन सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से भी आग्रह किया कि वह 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित बनाएं ताकि महामारी से बचा जा सके। आज लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व जो कि पंचायतों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें हमारी अपनी पार्टी है, पार्टी नंबर 26, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओच घाट में हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन को हम पूरे सौहार्दपूर्ण ढंग से और जितने भी हमारे को जैसे कोविड की जो हमारे को गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइंस को मानते हुए हम इस इलेक्शन को करवाएंगे और हमारा भरसक प्रयास रहेगा। जैसे हमें सरकार से निर्देश मिले हैं कि उसमें हम पूर्णतः सहयोग दें और इस कार्यक्रम को हम बहुत आगे तक आराम से आगे तक बढ़ाएं। जय हिंद। बीडीओ सोलन ललित दुल्टा ने बताया कि मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के पास कोरोना से बचने के पूरे इंतजाम होंगे। फेस शील्ड सहित मास्क का प्रयोग कर्मचारी करेंगे। वहीं मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन्हें मत डालने जाने दिया जाएगा, जिसके लिए आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर अपनी सेवाएं देंगे। आज विकास खंड सोलन की 37 पंचायतों के 223 मतदान केंद्रों को हमने पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में दिनांक 17 तारीख को 13 पंचायतों में मतदान होना है और इसी तरह द्वितीय चरण में फिर 13 पंचायतों में होना है और तृतीय चरण में 11 पंचायतों में मतदान होगा जो कि 21 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। कोरोना से बचने के लिए हर पोलिंग पार्टी को एक फेस शील्ड, सैनिटाइजर, ग्लव्स और थर्मल स्कैनर हमने साथ दिया है। जो भी कोई वाले मतदाता है उन्हें स्पेशल निर्देश दिया गया कि वो 4 बजे के बाद अपना मतदान करेंगे। जो प्रधान, उप प्रधान और मेंबर की काउंटिंग हर पंचायत घर पर होगी और इसके अलावा जो भी BDC और जिला परिषद के बैलेट बॉक्स है वो यहाँ स्ट्रांग रूम में जिला स्तर पर आएंगे, जिसकी गणना 22 तारीख होगी। PRTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।